देखो बच्चों, अब अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो पहले तो बात करें, देखो इनको प्रिडिक्ट किया था, बताया था कि भी हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमने वो पढ़ाया था शुरुआत में ही आया था हमारे टॉपिक, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया था, बताया था किसने, मैक्सवेल ने, और कंफर्म कर दिया था हेनरिक्स हर्ट्ज ने। एक टॉपिक है भी आपके पास हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, उसकी अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा मैं उसमें, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, उसको अलग से देखेंगे। ज्यादा नहीं आता है आपके पेपर में सीबीएसई में या एचबीएससी में। तो इन्होंने था, देखो उससे पहले क्या पढ़ा था वो बताएं, तो जब चार्ज आपके पास रेस्ट में होना तो उसके चारों तरफ होता है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो, किसमें हो वो, यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसके आसपास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब आपका चार्ज एक्सेलरेट करे या ऑसिलेट करे तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। तो जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा या ऑसिलेट करेगा तब क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ऑसिलेट करेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, जिस साइड वेव जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया कि मान लो वेव जाने लग रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो थोड़ा येलो करने की कोशिश की है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ऑसिलेशन है वाई एक्सिस के लोग, इसके लोग है वाई एक्सिस के लोग, और ये जो रहेगी दूसरी ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑसिलेट कर रहा है जेड एक्सिस के लोग, इसकी वाइब्रेशंस किसके पैरेलल है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, ये ऐसे ये था मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर और ये प्रोपेगेशन होने की साइड लग रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तब जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है उस डिस्टरबेंस का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसका मतलब डायरेक्शन क्या आएगी, ई क्रॉस बी, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए आप लोगों ने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर आता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो सेम बात है। इसको मैथमेटिकली भी लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेटर है और वेव किसके अलोंग प्रोपेगेट कर रही है, पॉजिटिव एक्स, माइनस का के एक्स हो तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है, प्लस का हो तो नेगेटिव, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, वेव किसके अलोंग प्रोपेगेट कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रिडिक्ट किया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने और इसको कंफर्म किया था हर्ट्ज ने, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से। चार्ज जब रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो एक्सेलरेट करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होती है। इसमें होता क्या है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी ऑसिलेट होते हैं, डायरेक्शन इज गिवन बाय ई क्रॉस बी, ये इसका डायग्राम, ये दोनों की इक्वेशन।
अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, इस पे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। देखो बच्चों, अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज। सारी बातें तो लिख दी है, कुछ थोड़ी बहुत रह गई होंगी वो साथ के साथ बतानी चाहिए। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात है, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग या ऑसिलेटिंग चार्ज। वो जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डेफिनेशन पे थे तो लिखा था चार्ज रेस्ट में तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा तो क्या होगा। तो एक्सेलरेटिंग या ऑसिलेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम से भी प्रोपेगेट कर सकती है, इनको चलने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और वैक्यूम में जब ये चलते हैं तो वैक्यूम में इनकी जो स्पीड है, दैट स्पीड इज गिवन बाय 1 अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये परमीएबिलिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इनको सोल्व करोगे तो सी के बराबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर कई बार डायमेंशंस पूछ ली जाती है। किस चीज की डायमेंशंस पूछ लेंगे? म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट की बताओ, 1 म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट की बताओ। आसान पूछना हो तो 1 अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट की बताओ। तो ये जरूरी शायद हमें जरूर रखना है, परमिएबिलिटी है और ये परमिटिविटी है। दैट आल्सो इक्वल्स टू ई नॉट बाय बी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड दोनों के रेशियो के बराबर ही होता है। बट हमें पता है मीडियम बदलेगा तो म्यू नोट भी बदलेगा और एप्सिलॉन नोट भी, तो ये दोनों बदलेंगे तो स्पीड भी बदलेगी। तो कोई दूसरा मीडियम आएगा तो उस मीडियम की परमीएबिलिटी उस मीडियम की परमीएबिलिटी, तो ये उसमें उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये न्यूट्रल होती है, मतलब अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट कर सकता है ना मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट कर सकता है। These carry energy and momentum with them. इनके ये अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम लेके चलती है, एनर्जी और एक मोमेंटम, जिसमें एनर्जी जो है इतनी ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होती है और इतनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के पास होती है। जिनका फॉर्मूला है, एक तो है उसकी जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस या आरएमएस वैल्यू की टर्म्स में, और एक है उसकी एम्पलीट्यूड की टर्म्स में, मैक्सिमम वैल्यू की टर्म्स में। आपको पता है कि आरएमएस वैल्यू अगर आपको देखनी होगी तो दैट इक्वल्स टू ई नोट बाय रूट टू होता है। कितना होता है? ई नोट बाय रूट टू। तो रूट टू लिखोगे ई नोट बाय रूट टू तो रूट टू का स्क्वायर टू, तो टू टू फोर आ जाएगा। ये थोड़ा सा है, और ये है बी स्क्वायर बाय टू म्यू नोट। इसी को बी को बी नोट की टर्म्स में लिखना, फिर वही कि बी इक्वल्स टू बी नोट बाय रूट टू के बराबर। एसी वाले चैप्टर में पढ़ी थी ये वैल्यू आप लोगों ने, तो ये 4 आ जाएगा। दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं दोनों को। ये है एनर्जी डेंसिटी, इसकी क्या है? ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पास। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी आ जाएगा। यहां पे ध्यान रहे, 1/2 म्यू नॉट ई नॉट है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट है, और यहां पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। यहां 4 है, यहां 2 है, क्योंकि ये टोटल निकाल रहे हो, टोटल इतनी ही तो इसके पास है सेम ही, और दोनों इक्वल अमाउंट में है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की, और मैं कह रहा हूं कि दोनों बराबर है, तो 2 टाइम्स हो ये लिख सकते हैं और 2 टाइम्स हो ये लिख सकते हैं। दोनों का 2 टाइम्स कर, इसका 2 टाइम्स करोगे तो 1/2, इसका 2 टाइम्स करोगे तो भी 1/2। तो ये उसकी क्या है? एनर्जी डेंसिटी। और जो मोमेंटम है, देखो भाई एनर्जी है, एनर्जी से कोई चीज यहां टकराएगी तो इसके ऊपर फोर्स प्रेशर एग्जर्ट करेगी, वो फोर्स या प्रेशर लगेगा, मतलब मोमेंटम ट्रांसफर किया है। तो वो जो मोमेंटम ट्रांसफर करता है किसी सरफेस पे, उसके लिए फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू यू बाई सी या पी इक्वल्स टू 2u/c। फर्क क्या है इसमें? एक तो ऐसा होती है वो जाकर यू का यू एब्जॉर्ब हो जाए सरफेस पे, या एक हो जाए कि वो रिफ्लेक्ट कर दे। एब्जॉर्ब होगा तो u/c, रिफ्लेक्ट होगा तो 2u/c के बराबर। एक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला है आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। मतलब ये जो एनर्जी डेंसिटी आया उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी डेंसिटी को, तो इंटेंसिटी का पता चल जाएगा। किसका पता चल जाएगा? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी है क्या? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप पावर भी कह सकते हो, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट।
तो E by ये इलेक्ट्रिक फील्ड मत मान लियो, एनर्जी है, एनर्जी बाय टाइम पावर, तो पावर पर यूनिट एरिया भी बोला जा सकता है इसको। तो ये फॉर्मूला उसके लिए, ये ट्रांसवर्स नेचर की है तो ट्रांसवर्स समझ ही गए होगे, जिस साइड प्रोपेगेट करते हैं ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की उसके परपेंडिकुलर होती है, तो ट्रांसवर्स नेचर की, जो वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है उसको आप क्या कह सकते हो, पोलराइज, ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा पोलराइजेशन, तो इनको क्या किया जा सकता है बच्चों, पोलराइज कर सकते हैं। ये सारी मेन प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। फिर इसके यूज और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, तो यूज और अभी देखते हैं नेक्स्ट में, पहले न्यूमेरिकल्स करते हैं, ये बात क्लियर है यहां तक, इसको नोट कर लें सारा, उम्मीद है समझ आया होगा। देखो बच्चों अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ न्यूमेरिकल्स, वैसे इस चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में नहीं पूछते, फिर भी जो चांस पूछने के वो हम सारे करने की कोशिश करेंगे, 5-6 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया, फॉर्मूले ध्यान रहने चाहिए सारे के सारे, फॉर्मूले भी ज्यादा नहीं है। द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 4 माइक्रो टेस्ला, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बी नोट दे दिया गया है कितने के बराबर, 4 माइक्रो मतलब 10^-6 टेस्ला के बराबर। द वेव इज गोइंग इन द एक्स डायरेक्शन, वेव किस में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किस में है, वाई डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में, क्लियर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो फिर कहा फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, सी इंटू बी नोट, क्या होता है, सी इंटू बी नोट, बताया था ना कि बीच में ई नोट बाय बी नोट किसके बराबर आता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, सी के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का सी टाइम्स होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बी इंटू 10^8, और बी नोट कितना दिया है, 4 माइक्रो टेस्ला का, तो ये आपके पास वैल्यू है, कर लोगे मल्टीप्लाई को, इसको सोल्व किया तो आपके पास आंसर आया है टोटल जब और यूनिट आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर लिख सकते हो। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना था। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ए 90 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ लेजर बीम ऑपरेटिंग एट दिस, लेंथ दे रखी है लेजर बीम की, दैट लेंथ इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर मतलब 10^-2 मीटर, इन ए लेजर बीम ऑपरेटिंग एट दिस, पावर दे रखी है, पावर अपने पास कितने के बराबर दी, दैट इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर 10^-3 वाट। और फिर कारण है फाइंड द एनर्जी स्टोर, क्या चाहिए हमें, एनर्जी चाहिए, अब पावर दे रखी है और एनर्जी निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होता था, पावर इनटू टाइम, अब बात रहेगी सर टाइम कैसे निकाले, तो टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 90 × सेंटीमीटर है तो 10^-2, और लेजर बीम है तो लाइट है, लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10^8, इसको जब सोल्व किया है तो आपके पास बच्चों टाइम आया 3 × 10^-9, 3 × 10^-9 सेकंड। अब पावर का पता, टाइम का पता मल्टीप्लाई कर दो, पावर कितनी है 5 × 10^-3 और टाइम कितना है 3 × 10^-8, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आ गया आपके पास ये हो गया 15 और ये 10^-11, ये सोल्व किया है तो बच्चों -9 बचेगा, तो -9 ये आ गया 10^-12 एनर्जी है बच्चों, ये आ गया बच्चों, क्लियर हुआ या ना हुआ, क्लियर है दोनों क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे ये फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई नोट आपको फाइंड आउट करना है, इन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी दे रखी है
कितने के बराबर है? 8.85 वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या बताया था बच्चों? इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी बाय टाइम को वाट बोल दिया और साथ में एरिया पर यूनिट एरिया है ये। और आप लोगों से पूछा क्या गया इंटेंसिटी, तो मैंने आप लोगों को इंटेंसिटी का फॉर्मूला जब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। आई की वैल्यू दे रखी, एप्सिलॉन की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फर्स्ट यूनिट में आया भी होगा 8.85 × 10^-12। सी की वैल्यू भी सबको पता है 3 × 10^8। आई के क्वेश्चन में दे रखा 2 को पता, किसका पता आ जाएगा ई नोट का। जब बच्चों वैल्यू रखोगे तो आपके पास ई नोट बचेगा 100 / √1.5 और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, ये आएगा आपको एम्पलीट्यूड। क्लियर है बात, ये दिस इज द एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, न्यूमेरिकल लाइफ का ऐसा जरूर पूछ सकते हो। इन्होंने क्या कहा था, द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है कि इतने टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव। यहां से और क्या पूछा जा सकता था, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के टाइम पीरियड सारी बातें इस इक्वेशन से पूछ सकता था। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन ने रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन हमसे पूछी गई है। तो देखो अगर इस इक्वेशन को मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करवाऊं तो बी इक्वल्स टू होता है बी नोट इंटू, मतलब बी नोट साइन इंटू ओमेगा टी प्लस माइनस, यहां प्लस है तो के एक्स, ये होती है इसकी एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड की। इसी में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलते तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता, ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये बात सेम आती है जो फेज वाली है, बहुत आगे सेम फेज, ये बात जरूर ध्यान रखनी होती है। बस बी नोट दे रखा है, ई नोट और आ जाए कॉन्स्टेंट बन जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन आ जाएगी। और ई नोट किसके बराबर होता है, सी इंटू बी नोट साथ में साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो C का पता आप लोगों को और B नोट का, ये B नोट रहा C 3 × 10^8, तो 3 आएगा तो ये हो जाएगा 24, 10^8 ये 10^-6 तो 10^2, ओमेगा T 2 × 10^11 प्लस KX, K है 300 π और साथ में ये X, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके लिए एक्सप्रेशन आई अपने पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ इसको कंपेयर करवाओ तो के एक्स के कितने के बराबर है 300 π और ये सबको पता है के की वैल्यू होती है 2π/λ, तो 2π/λ 300 π, पाई से पाई गया, यहां से लैम्डा निकालोगे तो 2/300 आ गया, मतलब 1/150। और किस में होता है, मीटर में। बाय चांस टाइम पीरियड पूछ लेते तो ओमेगा होता है 2π/T, तो ये आपका ओमेगा की जगह पे 2 × 10^11। फ्रीक्वेंसी पूछते तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर देते, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 5 4 5 क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर में आपके, उम्मीद है कि आप अच्छे से कर लेंगे। मेन तो इसमें अगर कोई न्यूमेरिकल आया तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक एनर्जी डेंसिटी की ओर है तो ये तो मिले आपको आपके बुक या सैंपल पेपर में, तो उसको कर लेना है। उसके बाद इस चैप्टर में एक पार्ट बचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जितनी भी अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में लिख दो तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। टोटल अपने पास 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनको याद करने का तरीका और उनके कुछ इंपॉर्टेंट से यूज देखोगे क्या क्या है वो अपने पास। देखो बच्चों
अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है उसकी साथ की साथ वेव को याद करने का एक तरीका लिखा है, वैसे वैसे भी याद हो जाता है। रिमेंबर माय इंस्ट्रक्शंस विजिबल अंडर एक्सरे ग्लासेस, रिमेंबर माय इंस्ट्रक्शंस विजिबल अंडर एक्सरे ग्लासेस। आर आया था अपने पास रेडियो वेव्स के लिए, एम आया है अपने पास माइक्रोवेव्स के लिए, आई आया है इंफ्रारेड वेव्स के लिए, वी आया है अपने पास विजिबल, यू आया है अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे एक्सरे के लिए दिया है, जी फोर गामा रेज। तो ये सात टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे एंड गामा रेज। रिमेंबर माय इंस्ट्रक्शंस विजिबल अंडर एक्सरे ग्लासेस। इस ऑर्डर को, इसको स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, जिसमें लिखा गया इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में है। रेडियो की फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, गामा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, और ये अपने पास वेवलेंथ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग। तो गामा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, वेवलेंथ मिनिमम होती है। रेडियो वेव लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे कम है। देखो अब आप लोगों को बुक से इसकी टेबल ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसकी वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, वो एक वेवलेंथ की रेंज दे देगा कि ये वेवलेंथ की रेंज किस से बिलोंग करती है, उसके यूज लिखो, उसको कैसे प्रोड्यूस करोगे ये लिखो, तो आपकी पूरी की पूरी टेबल मिलेगी आप लोगों को। तो उस टेबल से याद करना है यूज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज। कुछ मेन से यूज मैंने लिख दिए ताकि याद रहे। रडार इंडिकेशन में हम अक्सर गलती कर देते हैं रेडियो वेव्स का, बट अगर दो ऑप्शन हो तो माइक्रोवेव की तरफ जाना होता है। ग्रीन हाउस प्लांट्स को गर्म रखने के लिए इंफ्रारेड हीटिंग वेव्स होती है अपने पास। सीक्रेट राइटिंग देखने के लिए क्या यूज होती है, इंफ्रारेड। अगर मतलब धुंध है, हेज, फॉग, मिस्ट, इसमें से भी देखने के लिए क्या यूज होता है, इंफ्रारेड। फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे वहां पे कौन सी वेव है, यूवी। वाटर प्यूरिफायर में यूवी। स्टेबलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसमें भी क्या है, यूवी। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को मतलब उनको मार देता है। मतलब नकली करेंसी देखनी है तो उसमें भी, या फिंगरप्रिंट्स में यूवी। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर गामा रेज भी लिख सकते हो, एक्सरेज भी लिख सकते हो उसमें। डिटेक्टिंग गोल्ड सिल्वर डायमंड इन द बॉडी स्मगलर्स, कई बार ये ना कि ऑपरेशन के थ्रू स्वीट के अंदर गोल्ड ले लिया और फिर विदेश से इंडिया में या इंडिया से कई बार गोल्ड को लेके जाया जाए, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो डिटेक्टिंग एजेंसीज होती हैं वो एक्सरेज का यूज करती है। तो एक्सरेज, गामा रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इनके तो कुछ यूज लिख भी नहीं है, बाकी आप बुक से करेंगे, आपकी एनसीआरटी से या फिर जो भी आपके पास बुक या नोट्स अवेलेबल होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। गामा रेज सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम है। कुछ मेन से यूज ये थे बच्चों, क्लियर है बात सबको।